ये है श्री गंगानगर का श्री महाराजा गंगा सिंह चौक बोलते हैं इसे। इससे इस तरफ में ये है और इधर से आने वाला रास्ता ये जंक्शन से आता है, इधर जंक्शन से आने वाला रास्ता है इधर। तो आप जैसे इधर आओगे इस रोड से सीधे चलते जाना है, थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो फिर हमारा कट है वो आ जाएगा राइट साइड में। महाराजा गंगा सिंह सर्कल से आप सीधा चलते जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो आपको नज़र आएगा यहाँ पे। इस रास्ते से सीधा ही चलते जाएंगे तो हमें आगे मिल जाएगा एक और रेलवे फाटक, ठीक है ना। उस रेलवे फाटक पर चलते हैं और वहाँ से हमें राइट लेना है। तो ये बोर्ड नज़र आएगा, इस बोर्ड से आप सीधा ही आगे चलते जाओगे तब आगे अब रेलवे फाटक सा आएगा एक, क्यों ना, चैम्बर सा बना हुआ, उसके नीचे से हमें क्रॉस करना है। वो जस्ट आगे देखो, मैंने आपको बताया था कि पेट्रोल पंप दिखेगा, ये रहा वो पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप से सीधा ही जाएंगे आगे, सर्किल सा दिखेगा, मतलब चार रास्ते जाएंगे आगे। ये चार रास्ते देखो, एक तो पिकअप गई सीधे निकल के, एक देखो बच्चे निकल के आ रही है वो रास्ता, ये ग्राउंड से निकल के आ रहे हैं अभी, ठीक है ना। ये सीधा जो जा रहे हैं ये जा रहे हैं बस डिपो के पास, जहाँ आपका यहाँ का बस स्टैंड है श्री गंगानगर का। और जिस रूट से मैं आ रहा हूँ उत्तर की दक्षिण, उत्तर के रास्ते से दक्षिण की तरफ में, वो है जंक्शन से आता हुआ, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो वो उधर जो बस डिपो के पास चला गया, और ये रूट जो आ रहा है वो आ गया है अभी जंक्शन से, ठीक है ना। जैसे ही आप इधर आओगे तो पुलिस वाले भैया खड़े हैं, देख लो दिख रहे हैं, वो दो लड़के खड़े हैं, उधर से घूम जाना है। उधर से जैसे ही मैं घूमूंगा आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। वो रेलवे फाटक से देखो, ये जैसे टेम्पली नीचे से ऊपर आ रहा है, इसी रास्ते से हमें जाना है। ये वाला रूट है वो, ठीक है ना। जो सामने से रूट आ रहा है वो जंक्शन से आ रहा है, ठीक है ना। जो वो ऑटो रिक्शा आ रहा है, आप जैसे ही जंक्शन से बाहर निकलोगे सीधा आपको दक्षिण की तरफ में चलते जाना है, ठीक है ना। और गंगा सिंह जो सर्किल से आगे निकलते हो, जो बस डिप वो बस दिख रही है वो रूट आ रहा है कहाँ से, हमारा बस डिपो की तरफ से, ठीक है ना। तो आप सीधा जाओगे तो बस डिपो मिल जाएगा, और इधर से आओगे तो जंक्शन मिल जाएगा, और आपको इस सर्किल से ऐसे घूम के जाना है नीचे। ऊपर से ट्रेन जा रही है, बसें नीचे अंडर क्रॉसिंग पार करके निकलती है इधर से, और आप लोग इधर से आओगे। ये कुछ ऐसा है जहाँ का स्टैंड अभी धुंधा, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा आपको बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये अंडरग्राउंड पास होके आपको निकलना है, ये देखो ऊपर से ट्रेन चल रही है, बस 500 मीटर की दूरी पर है आप ग्राउंड में सीधा, ठीक है ना। तो आपको ग्राउंड भी दिखाता हूँ, ये अंडर प्राउज पास होके आपको जाना पड़ेगा से, और जो हमारा बस डिपो है वहाँ से आप सीधा इधर से आ सकते हैं। दोनों रास्ते आगे एक जगह आके मिल जाते हैं। मेरे पीछे जंक्शन जो रेलवे ट्रैक है वो सीधा जा रहा है जंक्शन की ओर, लेकिन मैं इस वक्त जा रहा हूँ जो श्री गंगानगर का स्टेडियम है जहाँ पे आपका फिजिकल हो रहा है अभी, ठीक है ना, उसकी तरफ में। तो पीछे का कुछ व्यू ऐसा है, और आपके ग्राउंड से जो पंजाब राज्य की सीमा लगती है वो बिल्कुल 32 किलोमीटर दूर लगती है, हिंदू मलकोट 27 किलोमीटर दूर है, और ये है आपका ग्राउंड, ठीक है ना। इसी ग्राउंड में आपकी फिजिकल भर्ती है वो हो रही है, वो देख सकते हो श्री गंगानगर वाला डॉक्टर भीमराव वाला।